नमस्कार, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं एन के सिंह विज्ञान विषय के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी कि तंत्रिका तंत्र और उनके समन्वय के बीच में चर्चा कर रहे थे, और उसके अंतर्गत हमने बातें किया था कि पूरे तंत्रिका तंत्र तीन हिस्सों में बटा होता है, जिसको हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा था, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था जिसको हमने परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा था, और तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। और उन सारे बिंदुओं पे हमने चर्चा किया था बेसिकली कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण संरचना ब्रेन की होती है, मानव मस्तिष्क की होती है, और उसके पश्चात हमने स्पाइनल कॉर्ड के विषय में भी बात किया कि स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उसके पश्चात परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने बताया था कि परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लगा हुआ हिस्सा होता है, बेसिकली कुछ ब्रेन से नर्व्स निकले होते हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकले होते हैं, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। इनमें से हमने आपको बताया था कि 12 जोड़ी जो होती हैं उनको हम क्रेनियल्स नर्व्स कहते हैं, और 31 जो पेयर्स में होती हैं उनको हमने स्पाइनल नर्व्स कहा था, जो कि दोनों सामूहिक रूप से मिलाकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा बनती हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को हमने सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक यानी कि अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र के अंतर्गत बांटकर अध्ययन किया था, और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इसको हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं सेंसरी ऑर्गन्स पे, यानी कि जिसको हिंदी में संवेदी अंग कहा जाता है। संवेदी अंग क्या होते हैं? संवेदी अंग ऐसे अंग होते हैं जो कि बाहरी वातावरण में हो रहे परिवर्तनों को एडॉप्ट करके, रिसीव्ड करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, और ये मैसेजेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आने वाली जो कुछ भी सूचना इन रिसेप्टर के माध्यम से, इन सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाया जाता है, उसी के आधार पे उसी के बेसिस पे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कार्य करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर किसी भी बाहरी वस्तु को हम देखते हैं तो वो देखने का कार्य किसका है? आंखों का। तो आंखें जो होती हैं ये सबसे प्रमुख संवेदी अंग होती हैं। अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिकली संवेदी अंग को देखा जाए तो हमारे आंख भी, हमारे कान भी, हमारी त्वचा भी, ये सारे आपके संवेदी अंगों के अंतर्गत आते हैं, सेंसरी ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जिनमें से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं वो है ह्यूमन आई, जो है मानव आंख जो है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का पूरा टॉपिक हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं इस नेत्र के बारे में, तो कंसंट्रेट होके एक एक बातों को मेरे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और ये मेरा पूरा विश्वास है कि ये क्लास ओवर होते होते आप आंखों के विषय में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कर पाने में समर्थ होंगे। पहली चीज ये कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आंखों के एनाटॉमी के बारे में चर्चा करते हैं, उसकी क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं, उसके फंक्शंस के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, विज्ञान की वह शाखा आपका ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाती है। ऑप्थेल्मोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आंखों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर हम आंखों को बाहर से कुछ देखें तो इस प्रकार से आंखें, जैसे फिगर में आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो आज हम चर्चा ये करने वाले हैं बेसिकली ये जो आंखों की जो संरचना दिखाई दे रही है बेसिकली है क्या। आप देखते होंगे कि आंखों के बीच में एक ब्लैक स्पॉट जो होता है दिखाई देता है। इस ब्लैक स्पॉट को बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको प्यूपिल कहा जाता है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इसको प्यूपिल कहते हैं, जिसको आप सामान्य भाषा में पुतली कहते हैं। तो पुतली क्या होता है, फिर से समझने की कोशिश करिए। ये ब्लैक स्पॉट जो आपको दिखाई देता है बीच में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल के चारों तरफ ये जो संरचना दिखाई देती है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका आयरिस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है आयरिस।
और उसके पश्चात आप देखते होंगे आंख में ये जो बीच वाला हिस्सा जो सफेद कलर का दिख रहा है, जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कंजक्टाइव, इसको बोलते हैं कंजक्टाइव। तो तीन हिस्से बाहर से दिखाई देते हैं, बाकी अगर हम पलकों को हटा दे, आईलिड्स को हटा दे, तो अगर मैं अंदर की संरचना की बात करूं तो बाहर से आपको तीन संरचनाएं दिखती हैं। पहला आयरिस होता है जो कि प्यूपिल के चारों तरफ होता है, बीच में जो घेरे हुई संरचना ब्लैक स्पॉट है उसको हम प्यूपिल कहते हैं, और ये जो सफेद हिस्सा दिखाई देता है बाहर से आयरिस के चारों तरफ दोनों तरफ जो है इसको कंजक्टाइव कहते हैं। तो ये तीन हिस्से होते हैं। इसके पश्चात अगर हम आंखों को बाहर करके एक नाइफ के द्वारा कट कर दें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, मान लीजिए एक आंखों को हम यहां से निकाल लें और उसके पश्चात इसको नाइफ से कट कर दें, नाइफ से कट कर दें बीच से, तो उसके पश्चात आंखें कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, इस प्रकार से दिखेंगे। हमने आंखों को बाहर निकाला और उसके बीच से उसको हमने काट कर अलग कर दिया, तो हमारी जो आंखें दिखाई देती हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। अब ये जो संरचना आप देख रहे हैं इसको देख के आपको घबराना नहीं है कि ये कैसे इसको हम समझेंगे। रिलैक्स होके आपको एक एक चीजों पर मैं स्टेप वाइज चल रहा हूं, बस उसको आप ध्यान से समझते चलिए, काफी आसान हो जाएगा। और जितनी भी एनाटोमी हुए, जितने भी क्वेश्चंस हैं यहां से आते हैं, आप आसानी से कर लेंगे। पहली बात कि हम आंखों के एनाटोमी पे चर्चा करते समय इसको हम तीन हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे, तीन हिस्सों में इसको हम बांटेंगे, किसको? ह्यूमन आई को। पहला जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है स्क्लेरा। आप देख सकते हैं हमारी आंखें तीन परत होती है, ये पहली परत सबसे बाहर की परत, इसके पश्चात ये मध्य की परत आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का बना हुआ है, और ये तीसरी परत। तो तीन परत, तीन लेयर होते हैं आंखों में। पहली जो परत होती है बाहर की, उस पहली परत को कहा जाता है क्या? उस पहली परत को, जो कि आपका ये बाहर की जो संरचना आपको दिख रही है, जो बाहरी परत दिख रही है, इस बाहरी परत को हम स्क्लेरा कहते हैं, स्क्लेरा। पहले परत को हम क्या बोलेंगे? स्क्लेरा। दूसरी जो परत होती है इस आंखों में पाई जाती है, जो दूसरे नंबर पे, ये जो दूसरे नंबर की जो है, इसको कहा जाता है कोराइड। कोराइड अभी हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो प्यूपिल की संरचना दिखाई दे रही थी, वो आयरिस जो दिखाई दे रही थी, एक्चुअल में यहां पे कहां पे इसकी लोकेशन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्क्लेरा बाहर की सबसे बाहरी परत क्या होगी? स्क्लेरा। उसके मध्य की परत क्या हो जाएगी आपका? कोराइड। और कोराइड के पश्चात तीसरी जो परत होती है, कोराइड के पश्चात जो तीसरी परत होती है उसको कहा जाता है रेटिना। ये जो तीसरी परत आप देख पा रहे हैं, पहली परत कोराइड, दूसरी परत क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, पहली परत क्या हो जाएगा आपका? स्क्लेरा। दूसरी परत क्या हो जाएगी आपकी? कोराइड। और तीसरी परत क्या होती है आपकी? रेटिना। तो तीन लेयर होते हैं, ये तीन लेयर हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि आंखों की एनाटॉमी में ये तीन महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। अब एक एक चीजों को फिर से समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा ये पहली परत क्या है? ये पहली परत होती है स्क्लेरा। ये क्या है आपका? स्क्लेरा। ये स्क्लेरा जो पहली परत आप देख पा रहे हैं फिगर में, ये आगे चलकर एक दूसरी संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। यही स्क्लेरा जो है, आगे आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से एक उभार लिए हुए, यहां से लेके यहां तक के एक उभार लिए हुए संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। और इस उभार लिए हुए संरचना को कहा जाता है बेसिकली क्या? इसको कहा जाता है कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहा जाता है कॉर्निया। तो स्क्लेरा आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉर्निया में कन्वर्ट हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले नंबर पे क्या आएगा? स्क्लेरा। स्क्लेरा आगे बढ़ते गया और आगे चलकर ये उभरी हुई संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉर्निया कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? कॉर्निया। आगे दूसरी जो संरचना है उसको हमने क्या बोला है? ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, ये संरचना क्या है? हमने बोला इसको कोराइड। क्या बोलते हैं इसको? इसको दूसरी संरचना को हमने क्या बोला था? कोराइड। ये कोराइड जो होता है, ये आगे जब चलता है, ये आगे बढ़ता है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे एक संरचना में तब्दील हो जाता है, इधर से भी एक संरचना में, इधर से भी तब्दील हो जाता है। और इस संरचना को कहा जाता है सीलरी बॉडी। इस संरचना को कहा जाता है सीलरी बॉडी। तो
स्क्लेरा आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हुआ था आपका, स्क्लेरा आगे चलकर कॉर्निया में कन्वर्ट हुआ था, और ये दूसरा भाग यानी कि कोराइड आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो गया, सिलरी बॉडी में। और ये सिलरी बॉडी जो होता है, सिलरी जो बॉडी होता है, ये आगे चलकर आयरिस का निर्माण करता है। आयरिस का क्या, आयरिस का कार्य होता है क्या, कॉर्निया का कार्य होता है, अभी उन पे हम चर्चा करेंगे डिटेल से। अभी मैं केवल आपको उन सारे पार्ट्स से अवगत करा रहा हूं कि वो सारे पार्ट्स कहां पे होते हैं। तो हमने कहा क्या कि ये आपका जो दूसरे नंबर का है वो क्या है, कोराइड। कोराइड आगे चलकर सिलरी बॉडी बना रहा है, और सिलरी बॉडी आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, ये जो संरचना आप देख पा रहे हैं, ये संरचना आप जो देख पा रहे हैं, ये क्या है, इसको कहा जाता है आयरिस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है आयरिस। तो कोराइड, सिलरी बॉडी, उसके पश्चात आयरिस। ठीक, आगे जो लास्ट वाली संरचना है, ये जो आखिरी संरचना है, इस आखिरी संरचना को कहा जाता है रेटिना। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेटिना। तो पहली संरचना स्क्लेरा, स्क्लेरा के पश्चात ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, कॉर्निया में। कोराइड, कोराइड आगे चल के सिलरी पेशियों में, और सिलरी पेशियां आगे चल के आयरिस में, और तीसरी परत होती है आपकी रेटिना। इन तीन हिस्सों में हमारे आंख जो है पाई जाती है। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीजों को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जो सिलरी पेशियां होती हैं, सिलरी पेशियां इन दोनों तरफ से, इन दोनों सिलरी पेशियों से लगी हुई एक संरचना पाई जाती है, और इस संरचना को कहा जाता है क्या, इस लगी हुई संरचना को कहा जाता है लेंस। हमारी आंखों में सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना होती है वो क्या होती है, लेंस। और इस लेंस कहां पे लगा हुआ है, ये लेंस हमारा इन्हीं दोनों लेंस, दोनों सिलरी मांसपेशियां जो होती हैं, यही आपका इसको एकोमोडुलेट करती हैं, यही इसको सामंजस्य स्थापित करती हैं। तो सिलरी पेशियों से कौन लगा होता है आपका, ये लेंस लगा होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई भी प्रकाश, मान लीजिए यहां पे एक पेन रखा गया है, हमारे आंखों के सामने पेन रखा गया है, तो सबसे पहले स्थिति में क्या होता होगा, प्रकाश इस पेन से टकराता होगा, और उसके पश्चात ये टकरा कर क्या होगा, यहां से परावर्तित होगा। परावर्तित होगा कहां पे, तो ये होते होते ये प्रकाश कहां से इंटर करता होगा, तो सबसे नंबर एक पे कौन सा हिस्सा आ रहा है, ये पहली परत आप जो देख पा रहे हैं वो क्या है आपका, कॉर्निया। क्या होता है आपका ये हिस्सा, कॉर्निया। कॉर्निया से होते हुए ये प्रकाश कहां पे हो जाता होगा, ये प्यूपिल। प्यूपिल से होते हुए कहां पे जाता होगा, ये लेंस पे जाता होगा, और लेंस से आगे बढ़ता होगा तो ये कहां पे जाता होगा, ये रेटिना पे जाता होगा। यानी कि प्रकाश सबसे पहले मिलता क्या है उसके रास्ते में, कॉर्निया। कॉर्निया के पश्चात ये प्यूपिल, और प्यूपिल के पश्चात लेंस, और लेंस कार्य क्या करता है, लेंस सारे प्रकाश की किरणों को रेटिना पर क्या करता है, केंद्रित कर देता है। क्यों केंद्रित करता है, अभी उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो लेंस पाया जाता है मानव के आंखों में, वह एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है, लेकिन यह किसी कांच का नहीं बना होता है। आगे चल के हम बात करेंगे कि एक प्रकृति की ब्यूटी यहां पे समझने की कोशिश करिएगा कि यह एक मांसपेशियों का बना हुआ एक लेंस होता है, और इसकी क्रियाविधि ठीक उत्तल लेंस के, बाई कॉन्वेक्स लेंस के ठीक एकदम समान होती है। ठीक वो भी आपके प्रकाश की किरणों को क्या करता है, रेटिना पर स्थित करने का कार्य करता है, एक जगह पर इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो यह तो संरचना आपकी रही, तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए। यहां पे एक चीज और यहां ध्यान दीजिएगा यहां पे जो रेटिना होता है, उस रेटिना के पास जो है, यहां पे रेटिना के पास जो है ऑप्टिक नर्व्स पाए जाते हैं। ऑप्टिक नर्व्स क्या करते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि ये पेन है, पेन से प्रकाश परावर्तित होके इस रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है उल्टा, वास्तविक बनता है और कैसा बनता है, उल्टा। जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, तो ये ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा इसको एडॉप्ट कर लिया जाएगा, इसको ग्रहण कर लिया जाएगा। इस ऑप्टिक नर्व्स में आपने पढ़ा होगा कि सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेंसरी नर्व्स पाए जाते हैं, तो ऑप्टिक नर्व्स इसको ग्रहण करके पहुंचा देता है किसके पास, ब्रेन के पास। क्यों ब्रेन के पास पहुंचा देता है, क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व्स किस प्रकार के नर्व्स होंगे, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होगा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का यह वह हिस्सा है जो कि क्रेनियम से जुड़ा हुआ है, क्रेनियम से, जो कि मानव मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है।
तो ये ऑप्टिक नर्व सीधे कहां पे गई होती है, मस्तिष्क में। तो हमने पेन को देखा, आंखों में पाई जाने वाली रेटिना ने प्रतिबिंब बनाया, और प्रतिबिंब जो बना हुआ है उसको ऑप्टिक नर्व्स ने किसके पास भेज दिया, आपके मस्तिष्क के पास। और मस्तिष्क के पास क्या है, मस्तिष्क के पास सेरिब्रम है, और सेरिब्रम क्या कार्य करता है, वो एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करने के पश्चात वो आउटपुट देगा कि ये जो वस्तु आप देख पा रहे हैं, ये वस्तु किस क्या है, ये पेन है। ये कहानी आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि आप पीछे की सारी चीजें अच्छे ढंग से समझे हुए हैं। तो आपको ये समझाने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपको ये कैसे आपका ऑप्टिक नर्व्स इसको रिसीव करके कैसे ये ब्रेन तक पहुंचाता होगा। तो ऑप्टिक नर्व्स ने रिसीव करके इस मैसेज को ब्रेन के पास पहुंचा देगा, और ब्रेन उसको एनालिसिस करके सीधा समझ लेता है। तो यहां पे अब कॉर्निया प्यूपिल या फिर सिलेरी बॉडी जो होती हैं या रेटिना जो होता है, इनकी और क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, एक एक करके सारी चीजों पे चर्चा करते हैं। और आज ही हम आंखों से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। बेसिकली रतौधि नामक रोग में क्या होता होगा एग्जैक्ट, विटामिन ए कमी होती है वो अलग बात है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वर्णांधता नामक रोग में कौन सी कोशिका डैमेज होती होगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एक एक करके चलते हैं, पहले बात करते हैं कॉर्निया के विषय में, तो कॉर्निया के विषय में जैसे कि हमने बताया कि सबसे पहले प्रकाश कहां से इंटर करेगा, कॉर्निया। ध्यान से फिगर में देखते चलेंगे और एक एक चीजों को सुलझाते चलेंगे। प्रकाश सबसे पहले इंटर कहां पे करता है, कॉर्निया। तो पहला महत्वपूर्ण भाग जो आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश प्रवेश करता है किस हिस्से से, कॉर्निया वाले हिस्से से। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि नेत्रदान जब किया जाता है, तो नेत्र का कौन सा हिस्सा नेत्रदान में प्रयोग में लाया जाता है, तो कॉर्निया। ऐसा नहीं है कि पूरी आंखें निकाल के जो है दान की जाती है, या जो चक्षु बैंक होते हैं, जो नेत्र बैंक होते हैं, उसमें किस भाग को बचाकर रखा जाता है, तो वो है कॉर्निया। ये कॉर्निया वाला हिस्सा जो है इसी को बचा के रखा जाता है, और जब किसी भी व्यक्ति की आंखें खराब होती है तो इसी कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। याद रखिएगा, लेंस नहीं, लेंस के विषय में नहीं, मैं कॉर्निया के विषय में बात कर रहा हूं, तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो नेत्र दान में व्यक्ति कौन सा, आंखों का कौन सा हिस्सा दान करता है, कॉर्निया का हिस्सा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे हम चल के पढ़ेंगे, एक रोग होता है जिसको कहा जाता है एस्टिगमेटिज्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है अबिंदुकता, अबिंदुकता। तो अबिंदुकता क्या होता है कि जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो ये जो कॉर्निया का हिस्सा होता है इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाने की वजह से चपटे आकार का हो जाता है, और चपटे आकार का हो जाने के कारण व्यक्ति जो है, अगर कोई वस्तु लंबवत रखी गई है, क्षैतिज रखी गई है, तो उसके उसमें विभेद नहीं कर पाता है वो, या बताने में सक्षम नहीं हो पाता है कि वस्तु की सही कंडीशन क्या है, लंबवत है कि क्षैतिज है। तो इस रोग को एस्टिगमेटिज्म कहा जाता है या अबिंदुकता कहा जाता है। तो अबिंदुकता नामक रोग में भी कॉर्निया का हिस्सा ही बेसिकली जो है डिफेक्ट होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, आगे चल के अभी मैं रोगों पे चर्चा करूंगा तो इसके बारे में और डिटेल से बातें करूंगा। तो तीन बातें आप महत्वपूर्ण याद रखेंगे, किसके विषय में, कॉर्निया के विषय में। पहला महत्वपूर्ण बात क्या कि प्रकाश कॉर्निया के हिस्से से क्या करता है, आंखों में प्रवेश करेगा। दूसरी बात, नेत्र दान करते समय हम कॉर्निया का दान करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात क्या, एस्टिगमेटिज्म के बारे में। आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो महत्वपूर्ण संरचना होती है पलकें, आईलिड्स। आईलिड्स के विषय में बहुत खास बातें नहीं, बस इतना याद रखिएगा आईलिड्स क्या होते हैं। आपने पहले फिगर में देखा होगा, ये जो होता है ये क्या है, आईलिड्स। आईलिड्स के ये किनारे वाले हिस्से में यहां पे एक ग्रंथ पाई जाती है जिसको माइबोबियन ग्लैंड कहा जाता है। याद रखिएगा, दो ग्रंथियां आपको यहां पर जाननी चाहिए। एक ये किनारे पर पाया जाता है, किनारे पर यहां पे जो पाया जाता है उसको कहा जाता है लैक्राइमल ग्लैंड, और एक यहां पे पाया जाता है पलकों के नीचे जो है उसको कहा जाता है माइबोमियन ग्लैंड।
माइबोमियन ग्लैंड्स की ये विशेषता होती है कि ये यहां से एक चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ जो है स्रावित होता रहता है, चिपचिपा प्रवाह स्रावित होता रहता है, और ये कार्य क्या करता है, ये पलकों जो हमारी बंद होती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं, तो उसमें फ्रिक्शन को, उसके घर्षण से क्या करता है, उसको बचाता है। तो ये चीज आप जानते रहिएगा माइबोमियन ग्लैंड्स के बारे में। आगे नेत्र श्लेष्म की बात करेंगे, जिसको हमने बोला है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा के बारे में हमने आपको बताया है कि कहां पे ये हिस्सा होता है। बेसिकली ये जो आप सफेद कलर का देखते हैं आंखों में, ब्लैक स्पॉट्स के दोनों बगल में जो आप देखते हैं, ये क्या है आपका कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा की लोकेशन इस फिगर में कहां पे है, अगर इसको हम देखना चाहें कि कंजक्टाइवा का फिगर कहां पे है, यहां पे इसकी लोकेशन कहां पे है, तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये आपका हिस्सा, ये जो आपका हिस्सा कॉर्निया, कॉर्निया जहां पे समाप्त होता है वहां पे क्या होता है, कंजक्टाइवा शुरू हो जाता है। तो कंजक्टाइवा के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कंजक्टाइवा में जब धूल के कण पड़ते हैं या फिर जब हमारे आंखों में कोई ऐसा पदार्थ आता है, अवांछनीय पदार्थ आता है, तो कंजक्टाइवा हमारा रेड कलर का हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो बेसिकली जो हमारी आंखें लाल होती हैं, लाल दिखाई देती हैं, वो आंखों का कौन सा हिस्सा, कौन से हिस्से में संक्रमण होने से होता है, तो ये इसी कंजक्टाइवा में। और इस रोग को बेसिकली जो स्वेलिंग आ जाती है, जो सूजन आ जाता है, इसको बोला जाता है कंजक्टाइटिस। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आगे मैं बात करना चाहता हूं लैक्राइमल ग्लैंड्स से। लैक्राइमल ग्लैंड्स की हमने लोकेशन आपको बताई है कि अगर आंखें हैं तो आंखों में ये जो यहां पे पाया जाता है, इसको बोला जाता है लैक्राइमल ग्लैंड्स। लैक्राइमल ग्लैंड्स यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलेंगे अश्रुग्रंथि, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में क्या, अश्रुग्रंथि, अश्रुग्रंथि। लैक्राइमल ग्लैंड्स जो होता है एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ये चीज महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लैक्राइमल ग्लैंड्स जो होती है यह एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिर्स्रावी ग्रंथियां। आगे चल के हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनके पास अपने रस को, अपने सिक्रेशन को ले जाने के लिए एक निश्चित नलिका पाई जाती है, एक निश्चित रास्ता पाया जाता है, उसको कहा जाता है कि वह बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो लैक्राइमल ग्लैंड्स भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। बेसिकली मनुष्य के शरीर की लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, अश्रुग्रंथि, श्वेद ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियां जो हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के उदाहरण होते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड्स का कार्य क्या होता है, जल सदृश तरल निकलता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम रोते हैं तो उस समय बेसिकली हमारी लैक्राइमल ग्लैंड्स ही एक्टिव होकर वो जल सदृश तरल पदार्थ को निकालने में मदद करती हैं। यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि बेसिकली बच्चों में जो लैक्राइमल ग्लैंड्स जो होता है, एक्टिव जो होता है, सक्रिय होता है, वो 3 से 4 महीने के अवस्था में होता है। यही कारण होता है कि बच्चे जो हैं शुरुआती दिनों में 1-2 महीने में जब रोते हैं तो वो रोते तो हैं, चिल्लाते तो हैं, लेकिन आंसू नहीं निकलते उनके। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि लैक्राइमल ग्लैंड्स जो है ये 4 महीने की अवस्था में लगभग ये एक्टिव होना शुरू होता है, और जब ये एक्टिव होता है तभी यहां से आंसू निकलते हैं। आंसू में एक खास बात याद रखिएगा कि इसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम। और ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये पता होगा कि लाइसोजाइम नामक एंजाइम और कहां पे सिक्रेट होता है। आपको जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि लाइसोजाइम नामक एंजाइम हमारे लार ग्रंथियों, हमारे सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। और लार ग्रंथियों से निकलने वाला लाइसोजाइम कार्य क्या करता था कि ये अगर बाहर से भोजन में कोई भी दूषित जीवाणु आ गया है, कोई दूषित रोगाणु आ गया है, तो उसको ये लाइसोजाइम क्या करता है, ये मारने का कार्य करता है। लाइसोजाइम एक प्रकार का एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स होता है। क्या होता है ये, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स होता है। कौन, ये लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम के विषय में 3 महत्वपूर्ण सूचना
आपको पता होना चाहिए कि लाइसोजाइम मानव के शरीर में तीन जगह पे पाया जाता है, तीन जगहों पे ये सिक्रेट होता है। कौन कौन से जगह होते हैं अगर मैं बात करूं लाइसोजाइम के विषय में, पहली चीज आपने क्या पढ़ा है, पहली चीज पढ़ा है कि ये जो है हमारे लार ग्रंथियों से एक्टिव होती हैं, हमारे लार ग्रंथियों से एक्टिव होती हैं, यानी कि लार ग्रंथियों से पाई जाती हैं, उनसे निकलने वाले एंजाइम में होती हैं। आपने पढ़ा अश्वग्रंथियों से निकलने वाले, अश्वग्रंथियों से निकलने वाले आंसुओं में पाई जाती हैं ये लाइसोजाइम। और तीसरी महत्वपूर्ण, हमारी जो श्वेद ग्रंथियां होती हैं, हमारी जो श्वेद ग्रंथि होती है जिससे हमारा श्वेद यानी कि पसीना श्वेत निकलता है, तो उसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है। और तीनों जगहों पे इसका कार्य एक ही होता है। क्या कार्य होता है कि चाहे वह लार में चाहे अश्रु में चाहे श्वेद में, तीनों जगहों पे पाया जाएगा तो वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया को व रोगाणुओं को मारने का कार्य करेगा। हमारी आंखों में कोई भी कीटाणु जब जाता है तो आप देखते होंगे कि हल्का सा हम उसको थोड़ी देर भी वो रहता है, जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो वो बचता नहीं, बहुत कम कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइसोजाइम उपस्थित है। लाइसोजाइम क्या करता है, वो तुरंत जो भी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया रहेगा उसको समाप्त करने का, उसको मारने का कार्य करेगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें आप याद रखेंगे कि ये तीनों जगहों पे लाइसोजाइम उपस्थित होता है। आगे बात करेंगे अगली संरचना को। अगली संरचना होती है प्यूपिल, प्यूपिल प्यूपिल जिसको हम पुतली कहते हैं। प्यूपिल के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये मैं आपको बता दूं कि प्यूपिल जैसी संरचना मानव के शरीर आंखों में बेसिकली यहां पे कुछ नहीं होता है, खाली स्थान होता है, इसी वजह से ब्लैक दिखाई देता है। हमारी आंखों का ये जो बीच का हिस्सा, ये एकदम बीच का हिस्सा अगर आप देखते होंगे, ये बीच का हिस्सा, तो यहां पे कुछ भी नहीं होता है, इसी वजह से ये ब्लैक दिखाई देता है, इसी वजह से काला दिखाई देता है। कैसे नहीं होता है समझने की कोशिश करिएगा इस फिगर में, इस फिगर के एनाटॉमी में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो दूसरी परत है जिसको हमने कोराइड कहा था, कोराइड आगे चल के सिलरी, और सिलरी के बाद ये क्या हो रहा है, ये बीच का पार्ट्स आप देख रहे हैं, बीच का पार्ट्स ये क्या है, ये आप देख रहे हैं खाली स्थान है, ये बीच का स्थान क्या है, खाली, और इसी खाली अवस्था को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम प्यूपिल कह रहे हैं, इसी को हम पुतली कह रहे हैं। लेकिन कार्य क्या होता है इसका, प्यूपिल का कार्य ये होता है कि ये सामंजस्य स्थापित करता है, प्रकाश अधिक जाएगा कि प्रकाश कम जाएगा इसको निर्धारित प्यूपिल करता है। अगर हम किसी विषय वस्तु के सामने या फिर मान लीजिए किसी टार्च के सामने या चकाचौंध के सामने हम खड़े हैं तो प्रकाश कितनी मात्रा में हमारी आंखों में इंटर करेगी इसका निर्धारण कौन करेगा, ये प्यूपिल। कैसे करता है समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि पहला चीज को कि प्रकाश की मात्रा को ये क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। कैसे, जब मंद प्रकाश रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा, इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जाहिर सी बात है जबकि कम प्रकाश होता होगा तो आप एप्लीकेशन थोड़ा सा इसको महसूस करने की कोशिश करिए कि जब कम प्रकाश होता है तो आप क्या करते हैं, अपनी आंखों को फैला लेते हैं, विस्तारित कर लेते हैं, और जब तेज प्रकाश होता है तो आप उसको कम कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये प्यूपिल जो होता है, पुतली जो होता है, ये प्रकाश की मात्रा जो भी हमारे आंखों में इंटर करती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। यहां पे एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि एक दवा, एक ड्रग्स जिसका नाम होता है एट्रोपीन, जिसका नाम होता है एट्रोपीन, एट्रोपीन नामक दवा या ड्रग्स का प्रयोग डॉक्टर आंखों की पुतलियों को विस्तारित करने में, उसको फैलाने में करते हैं। जब वो आंखों का ऑपरेशन करते हैं या शल्य चिकित्सा के दौरान आंखों की पुतलियों को फैलाना होता है तो उस दौरान वो एट्रोपीन नामक दवा का प्रयोग करते हैं। और एट्रोपीन जो है ये एट्रोपीन बेलाडोना नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ये एक वृक्ष है जिससे एट्रोपीन नामक दवा या ड्रग्स प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो इसका प्रयोग कहां पे करते हैं,
आंखों की पुतली को विस्तारित करने में या फैलाने में। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं लेंस पे। लेंस के विषय में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करता है। आगे चल के जब हम आपको भौतिक विज्ञान फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसके अंतर्गत आपको बताएंगे कि लेंस भी बेसिकली हम बात करेंगे उत्तल लेंस की अवतल लेंस की, तो उनकी अलग अलग जो है कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ ऐसे लेंस होते हैं जो किरणों को फैला देते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे अवतल लेंस की, जब कुछ प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देते हैं। तो एक लेंस होता है जिसको उत्तल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस के विषय में आप लोग पढ़े भी होंगे कि उत्तल लेंस की विशेषता यह होती है कि जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो अपवर्तन के पश्चात ये किरणों क्या करता है, एक जगह पे ये इकट्ठा कर देता है। तो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित, ये इसको मान लीजिए अगर रेटिना, इसको मान लीजिए अगर रेटिना हमारी आंखों की, तो ये लेंस कॉर्निया से प्रकाश ने प्रवेश किया, ये क्या हुआ लेंस मिला गया और इसने क्या किया प्रकाश को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, यहां पे बन गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जब बन जाएगा तो ऑप्टिक नर्व्स उसको रिसीव करेंगी, रिसीव करने के पश्चात पहुंचा देंगी ब्रेन के पास यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पश्चात, और ब्रेन उसको निर्धारित कर लेगा कि वो जो भी विषय वस्तु है वो क्या है और उसके बारे में किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो पहला कार्य क्या होता है लेंस का, प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने कार्य करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के आंखों में जो लेंस पाया जाता है वो उभयोत्तल यानी कि बाइकॉन्वेक्स होता है। आप संरचना देख सकते हैं, ये जो संरचना है ये क्या है, ये उभयोत्तल है दोनों तरफ से, तो इसी वजह से कहा जाता है इसको बाइकॉन्वेक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य के आंखों में जो लेंस लगा होता है वह एक प्रकार का बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है यानी कि उभयोत्तल होता है, दोनों तरफ से ही उत्तल होता है। यहां पे एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जब मैं रोगों को भी साथ में लेते चल रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें जो है व्यवहारिक लगे, रोग जानते होंगे मोतियाबिंद के विषय में जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो मोतियाबिंद में एक्चुअल में मनुष्य के आंखों का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, तो प्रभावित होता है यही लेंस। लेंस बेसिकली क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ या फिर अधिक प्रदूषण के कारण इस लेंस पे कुछ प्रदूषणकारी तत्व या फिर ये किसी कारण से लेंस जो है ये घिस जाता है या फिर किसी कारण से लेंस ये धुंधला हो जाता है, और धुंधला हो जाने के कारण प्रकाश जब यहां से इंटर करता है तो वो एक जगह पे किरणों को इकट्ठा नहीं कर पाता रेटिना के, और परिणाम स्वरूप कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं देती या धुंधली दिखाई देती है। तो लेंस जो है, लेंस में ये दिक्कत आने की वजह से या फिर हम कहें कि लेंस बढ़ती उम्र के साथ समाप्त हो जाने के कारण या इसकी कोशिकाएं डैमेज हो जाने के कारण जो होता है मोतियाबिंद या कॉन्टेक्ट नामक रोग होता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि लेंस के खराबी की वजह से मोतियाबिंद नामक रोग होता है। आगे चल के बात करेंगे आयरिस के विषय में। आयरिस जो होता है, आयरिस कहां पे होता है, हमने आपको बताया कि मान लीजिए ये आंखें हैं तो बीच का हिस्सा क्या है, ये प्यूपिल, और प्यूपिल के बाद जो हिस्सा दिखाई देता है, ये प्यूपिल के बाद ये जो हिस्सा दिखाई देता है, ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, इसको बोला जाता है आयरिस। इसको हम क्या बोलते हैं, आयरिस। तो ये जो आयरिस वाला हिस्सा होता है यह मनुष्य के आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। जो हम बोलते हैं नीली आंखें, झील सी आंखें, पीली आंखें, लाल आंखें, तरह तरह की लाल आंखें नहीं, लाल आंखें होती हैं, झील सी आंखें नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो भी फिलहाल नीली आंखें आप लोग देखते होंगे, ब्लैक आंखें देखते होंगे, काली आंखें देखते होंगे, तो वो जो आंखों का जो रंग होता है वो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम आयरिस की बात कर रहे हैं। तो आयरिस ही वह फैक्टर होता है, आयरिस ही वह कारक होता है जो आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, इसको आपको याद रखना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है कि आई स्कैन जब हम कराते हैं तो बेसिकली ये आयरिस का ही पार्ट्स जो है वहां पे स्कैन किया जाता है।
हम कहते हैं कि रेटिना रेटिना, लेकिन रेटिना नहीं, यहाँ पे याद होना चाहिए आपको आयरिस। आयरिस जो होता है इसका ही पार्ट्स जो है उस समय स्कैन किया जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें आपको याद होनी चाहिए। पहला महत्वपूर्ण बात ये कि आयरिस क्या करता है, आंखों के रंग को देने के लिए जिम्मेदार होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आई स्कैन करते समय हम आयरिस का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं रेटिना की। रेटिना ही एक्चुअल में आंखों को समझने के लिए, अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो आंखों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समझने योग्य, वो क्या है? रेटिना। रेटिना के विषय में आपने पढ़ा कि रेटिना जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि यह प्रतिबिंब का निर्माण करती है। यानी कि जो भी लेंस से होकर प्रकाश आपतित हो रहा है उस पर्दे पर, रेटिना उसका प्रतिबिंब बना रही है। और प्रतिबिंब कैसा बनाती है? तो प्रतिबिंब के विषय में हमने आपको बताया है कि वास्तविक बनाती है, वास्तविक इमेज बनाती है। और कैसा बनाती है? उल्टा, उल्टा बनाती है। तो प्रतिबिंब बनाती है वास्तविक, और कैसा? उल्टा। अब यहां पे दो महत्वपूर्ण बातें आपको याद होनी चाहिए कि हमारी आंखों में पाई जाने वाली रेटिना जो होती है उसमें दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो सेल्स पाए जाते हैं। पहली कोशिका को हम छड़ कोशिका कहते हैं, या इसको हम रॉड सेल कहते हैं। और दूसरी कोशिका को हम शंकु कोशिका कहते हैं, या इसको हम कोन सेल कहते हैं। अब ये छड़ और ये शंकु, ये क्या है समझते हैं। बेसिकली एक ऐसी कोशिका है जो छड़ के आकार की आंखों की रेटिना में पाई जाती है, तो इसको हम इसी वजह से हम रॉड सेल कह देते हैं। और एक दूसरी कोशिका जो है ये शंकु की आकार की पाई जाती है, इसी वजह से इसको हम कोन सेल कह देते हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बातें आपको याद होनी चाहिए कि ये दोनों कोशिकाएं एक्चुअल में पाई कहां पे जा रही हैं, तो ये रेटिना में पाई जा रही हैं। शंकु कोशिकाएं, सॉरी रॉड सेल का कार्य क्या होता है? रॉड सेल क्या करता है? यह अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। यह अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने से आशय यह है कि जब प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ता है, जब किसी भी वस्तु पर आपतित होता है, तो वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है कौन? ये रेटिना। क्योंकि रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। लेकिन सवाल यह है कि रेटिना की किस कोशिका के द्वारा इस प्रतिबिंब के निर्माण में सहयोग प्रदान किया जाता है? तो हमने आपको बताया दो सेल हैं, रॉड सेल और कोन सेल। ध्यान से मेरी बात समझने की प्रयास करिएगा। पहला हमने कहा रॉड सेल या अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। इसका मतलब यह है, साधारण सा मतलब यह है कि जब कम प्रकाश होता है, जब कम प्रकाश होता है तो उस समय हम अपनी आंखों को विस्तारित करते हैं और उस समय भी हम वस्तुओं को देख पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो अंधेरे में या कम प्रकाश में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित कौन कर रहा है? ये रॉड सेल। ये कौन कर रहा है? आपका छड़ कोशिका। और दूसरी महत्वपूर्ण बात शंकु कोशिका के विकास, शंकु कोशिका के विषय में कि यह प्रकाश में रंगों के पहचान हेतु मनुष्य को समर्थ बनाती है। यानी कि जब लाइट किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो उस समय हम वस्तुओं को देखते हैं, इसमें कौन सहयोग प्रदान कर रहा है? शंकु कोशिका। लाइट पड़ती है तो हम ये बता पाते हैं ये ब्लैक है, ये रेड है, ये जो है ब्लू है, ये व्हाइट है, तो ये कौन बता रही है? आपकी शंकु कोशिका। तो शंकु कोशिका, सीधे सीधे एक लाइन में ये समझिए कि शंकु कोशिका प्रकाश में कार्य करती है और रंगों को पहचान कराने में समर्थ बनाती है व्यक्ति को। और छड़ कोशिका के विषय में एक लाइन ये समझिए कि जब कम प्रकाश होता है तब हम वस्तुओं को देखते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता है? रॉड सेल की वजह से। तो कम प्रकाश में वस्तुओं को देख पाते हैं हम छड़ कोशिका की वजह से, और प्रकाश में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, रंगों को पहचान कर पाते हैं, तो ये शंकु कोशिका की वजह से होता है। अब ये आपको दोनों चीजें मिल गई। अब यहां से एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये दोनों जो सेल होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वे एक साथ कार्य नहीं करती हैं। या तो रॉड सेल कार्य करेगा या तो कोन सेल कार्य करेगा, यानी कि एक समय में एक ही कार्य करेगा, चाहे दिन के समय में, जब प्रकाश के समय में चाहे आपका शंकु कोशिका एक्टिव हो जाएगा, और जब आप अंधेरे में जाएंगे तो उस समय क्या हो जाएगा? शंकु कोशिका एक्टिव हो जाएगा। यही कारण होता है कि जब आप अंधेरे से
प्रकाश में जाते हैं तो आपकी आंखें चौधिया जाती हैं। चौधिया इस वजह से जाती हैं क्योंकि आगे चल के हम बात करेंगे कि इनमें एक द्रव पाया जाता है जिसको कहा जाता है रोडोप्सिन। तो ये शंख कोशिका तुरंत जो है, ये श्लाका कोशिका में जो है, ये शंख कोशिका तुरंत छड़ कोशिका में, या इसको श्लाका भी कहते हैं, तुरंत यह सक्रिय नहीं हो पाती। इस वजह से कुछ समय लगता है, इसी वजह से हमारी आंखें चौधिया जाती हैं। यानी कि तुरंत शंख कोशिका छड़ कोशिका में परिवर्तित नहीं हो पाता, वो जो बीच का गैप होता है, जो सामंजस्य स्थापित होता है बीच में, इसी वजह से उतनी देर तक हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता और हमारी आंखें चौधिया जाती हैं। तो ये दो बातें आपको याद होना चाहिए कि अंधेरे में अगर वस्तुओं को देखने में हम समर्थ होते हैं, कम प्रकाश में हम वस्तुओं को देखने में समर्थ होते हैं, तो यह किसकी देन है? यह छड़ कोशिका की। और अगर हम प्रकाश में वस्तुओं को देख पाते हैं, रंगों की पहचान कर पाते हैं, तो यह आंखों में पाई जाने वाली रेटिना की किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? यह शंख कोशिका की होती है। अब यहां से अगर दो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि आप ये बताइए कि जो चमगादड़ होता है या उल्लू जो होता है, उल्लू रात में क्यों उड़ पाता है? आंखों में वह कौन सी कोशिका होती है जो उसको रात में उड़ने में समर्थ बनाती है? तो आप तुरंत ये कहेंगे कि सर वहां पे रॉड सेल, आंखों में पाई जाने वाली उसकी रॉड सेल बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, बहुत ज्यादा विकसित अवस्था में पाई जाती हैं। चमगादड़ और उल्लुओं में ये रॉड सेल, ये जो छड़ कोशिका है, ये अत्यधिक विकसित अवस्था में पाई जाती है। यही कारण होता है कि वो अंधेरे में भी वस्तुओं को देख पाने में अधिक समर्थ होते हैं, जबकि उनमें शंख कोशिका नहीं पाई जाती, उनमें शंख कोशिका पाई ही नहीं जाती। यही कारण होता है कि वे बेचारे दिन में विचरण नहीं कर पाते, प्रकाश में वो नहीं देख पाते वस्तुओं को, लेकिन अंधेरे में वस्तुओं को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि उनमें ये छड़ कोशिका जो है ये विकसित अवस्था में है। हम क्या है? हमारे में दोनों है, तो हम दोनों चीजें कर लेते हैं। अगर कम प्रकाश है तब भी हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश है तब भी हम वस्तुओं को देख पाते हैं, हम रंगों की पहचान भी कर लेते हैं। तो मनुष्य को ईश्वर ने इस कदर बनाया है कि वो सारी जो है चीजें फुलफिल करने की उसने कोशिश किया है। आप देखते होंगे, आप सारी चीजों के विषय में पढ़ रहे होंगे, तो कितना बड़ा इंजीनियर मनुष्य, कितना बड़ा इंजीनियर ईश्वर है, आप खुद समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि इसने किस तरीके से मनुष्य को बनाया है, रॉड सेल कौन सेल दिया है और किस तरीके से सामंजस्य स्थापित कर रहा है। आगे बात करना चाहता हूं यहां पे दो चीजें, दो रोगों के विषय में, यहीं पे आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो रोग कौन कौन से हैं? एक रोग होता है रतौधी, जो विटामिन ए की कमी से होता है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं बताना आपको है कि विटामिन ए की कमी से रतौधी नामक रोग होता है। एक्चुअल में होता क्या है रतौधी में, उसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी आंखों से संबंधित रोग है। और दूसरा रोग है वर्णांधता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं या डाल्टोनिज्म कहते हैं। तो उसमें क्या होता होगा, ध्यान समझिएगा। यहां से तो दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अगर मैं यहीं से डायरेक्ट पूछूं आपसे कि ये बताइए कि रतौधी नामक रोग में आंखों की कौन सी कोशिका डैमेज होती होगी, तो रतौधी नामक रोग में एक्चुअल में क्या होता है कि कम प्रकाश में वस्तुओं को हम देख नहीं पाते, या शाम के टाइम जो है हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। किस रोग में? रतौधी नामक रोग में। तो सीधा से आप तुरंत क्लिक कर देगा क्या? छड़ कोशिका, आंखों में पाई जाने वाली रॉड सेल डैमेज होती हैं। श्लाका कोशिका, इसको श्लाका भी कहते हैं, तो श्लाका कोशिका डैमेज होती होगी। और अगर हम वर्णांधता, वर्णांधता का मतलब होता है कि वर्ण, वर्ण का मतलब रंग, यानी कि अगर हम रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं, वर्णांधता नामक रोग में व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता, याद रखिएगा वह रंगों को देखता है लेकिन उनमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। बेसिकली किस प्रकार के रंग? लाल और हरे रंग। लाल और हरे रंगों में वह विभेद नहीं कर पाता, वह अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। तो अगर रंगों में अंतर नहीं स्पष्ट कर पा रहा, तो इसका मतलब है कौन सी कोशिका डैमेज होती होगी? शंख कोशिका डैमेज होती होगी। तो ये दोनों चीजें आपको महत्वपूर्ण है कि रतौधी में छड़ कोशिका और वर्णांधता में शंख कोशिका डैमेज होती होगी। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, बेसिकली मैं आपको
एक रोग बता रहा हूं जिसको बोला जाता है रतौधी। ठीक है, रतौधी को डिटेल से समझने की कोशिश करिएगा। होता क्या है, जैसे कि हमने बताया इसका संरचना किस आकार का होता है, रॉड्स के आकार का होता है। तो रॉड्स ये कहां पे है, एक्चुअल में ये कहां पे है, तो ये रेटिना में है। रेटिना कहां पे है, हमारी आंखों में है। ठीक है, तो ये रॉड सेल जो है इसके चारों तरफ चारों तरफ जो है एक द्रव भरा होता है, एक द्रव पाया जाता है, एक पानी के सदृश पदार्थ पाया जाता है और इसको कहा जाता है रोडोप्सिन। इसको कहा जाता है रोडोप्सिन। बहुत ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। तो रोडोप्सिन कहां पे है, इस रॉड सेल के चारों तरफ। अब होता क्या है, रोडोप्सिन जो है ये दो पदार्थों से मिलकर बना है। पहला पदार्थ जो होता है उसको कहा जाता है रेटिनिन। रेटिनिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है, एक प्रकार का वर्णक होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन के विषय में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन, तो हीम वर्णक, ग्लोबिन प्रोटीन होता था। ठीक उसी प्रकार से हम बात जब करेंगे रोडोप्सिन की, तो रोडोप्सिन में दो चीजें पाई जाती हैं, एक रेटिनिन जो कि एक पिगमेंट एक वर्णक होता है और दूसरा एक प्रोटीन पाया जाता है ऑप्सिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि आंखों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद होना चाहिए अब से कि आंखों में ऑप्सिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो रेटिनिन और ऑप्सिन ये रोडोप्सिन के निर्माण में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। और ये जो रेटिनिन होता है, इस रेटिनिन के निर्माण में सहायक होता है विटामिन ए, जिसको हम कहते हैं क्या, रेटिनॉल। रेटिनॉल इसी वजह से इसका नाम क्या है, रेटिनॉल है। क्यों रेटिनॉल है, क्योंकि ये रेटिनॉल रेटिनिन के निर्माण में सहायक होता है। तो होता क्या है, ध्यान से समझिए क्या होता है, विटामिन ए की कमी हो गई शरीर में तो रेटिनिन की कमी हो गई शरीर में, रेटिनिन की कमी हो गई शरीर में तो रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हुआ, रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हुआ तो रॉड सेल डैमेज हो गई, रॉड सेल अविकसित हो गई। और जब रॉड सेल अविकसित हो गई तो रॉड सेल का कार्य क्या है, वह कार्य प्रभावित हो जाएगा। इसका कार्य है कि कम प्रकाश में वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाना। तो ये जब रॉड सेल अविकसित हो जाएंगी तो व्यक्ति कम प्रकाश में वस्तुओं को देखने में समर्थ नहीं हो पाएगा और परिणाम स्वरूप एक रोग हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रतौधी नामक रोग। तो रतौधी नामक रोग में एक्चुअल में विटामिन ए की कमी की वजह से नहीं होता है, वह इस रेटिनिन की कमी की वजह से होता है। लेकिन हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौधी नामक रोग हो जाता है। तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए। एक बात यहां पे और याद होना चाहिए कि ये ऑप्सिन नामक प्रोटीन के विषय में आप याद रखेंगे कि ये आंखों में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है जो कि रोडोप्सिन के निर्माण में मदद करती है। एक द्रव होता है जिसको कहा जाता है टेपिडम ल्यूसिडम। जैसे कि आप देखते होंगे कुछ शाकाहारी जंतु जो होते हैं, जैसे कि गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुई है, तो अगर हम टार्च रात में हम लोग जलाते हैं तो उनकी आंखें बहुत चमकती हैं। आंखें चमकने का कारण क्या होता है, आंखों चमकने का कारण होता है कि उनमें एक द्रव भरा होता है जिसको कहा जाता है टेपिडम ल्यूसिडम। दो तीन बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, टेपिडम ल्यूसिडम। टेपिडम ल्यूसिडम नामक द्रव के भरे जाने के कारण जो होता है उनकी आंखें जो होती हैं वो चमकीली दिखाई देती हैं। हमारे आंखों में भी पाया जाता है द्रव, आगे हम बेसिकली इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, फिर भी जानते रहिए। ये यहाँ पे एक द्रव भरा पाया जाता है, ये जो खाली स्थान है इसको कहा जाता है विट्रस ह्यूमर, और ये जो बीच में खाली स्थान होता है इसको कहा जाता है इक्वस। तो इक्वस और विट्रस, विट्रस का कार्य महत्वपूर्ण होता है। विट्रस क्या कार्य करता है, ये जो प्रकाश आती है वो प्रकाश के परावर्तन से बचाता है, यानी कि प्रकाश परावर्तित नहीं होती हमारे इन खाली स्थानों में। नहीं तो परावर्तित होती तो क्या होती कि प्रकाश का प्रतिबिंब इस रेटिना पर नहीं बनता, तो इसमें ये विट्रस ह्यूमर क्या करता है, मदद करता है। तो हमारी आंखों में वो टेपिडम ल्यूसिडम नहीं पाया जाता, लेकिन जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से उनकी आंखें जो हैं वो चमकती हैं। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम बात करें कुछ रोगों के विषय में, कुछ रोगों के विषय में जो आंखों संबंधित हैं,
हालांकि जब हम आपको भौतिक विज्ञान फिजिक्स पढ़ाएंगे तो लेंस के वाले चैप्टर में एक बार फिर से इसको हम तेजी से आपको रिविजन कराएंगे। पहला जो रोग होता है जैसे डिफेक्ट ऑफ विजन में, एक चीज आप जानते रहिए कि मनुष्य जो है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर की वस्तु अगर रखी गई है तो उसको वह देख पाने में समर्थ हो पाएगा, तो 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के विषय में आप लोग जानते भी होंगे, एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में हमेशा आप उल्टा समझेंगे। अगर दोष निकट का है तो इसका मतलब यह होगा कि निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु क्या दिखाई देगी, अस्पष्ट दिखाई देगी, और दूर की वस्तु क्या हो जाएगी, दूर की वस्तु अस्पष्ट हो जाएगी, अस्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यह चीज आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया भी कहते हैं, इसमें निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, तो इसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, इसे कहा जाता है मायोपिया। और मायोपिया के उपचार के लिए यहां पे याद होना चाहिए एक लेंस प्रयोग में लाया जाता है जिसको अवतल लेंस कहा जाता है, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अवतल लेंस क्या होता है इसके विषय में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस केवल इतना याद रखिएगा कि जिनको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है उनकी चश्मों में कौन सा लेंस लगा होता है, अवतल लेंस, ठीक है। आगे दूसरा जो आंखों संबंधित है दूरदृष्टि दोष, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे, तो उल्टा आप इसको भी समझेंगे, दोष कहां पे है, दूर में यहां पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे दूर की चीज क्या है, अस्पष्ट दिखाई दे रही है, तो कौन सी वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी, निकट की वस्तु क्या हो जाएगी, अस्पष्ट हो जाएगी, यानी कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। अब यहां पे इसके उपचार अगर करना है तो इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं, हम इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसमें, आपके दूर दृष्टि दोष में। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अब ये तो सामान्य अवस्था में हो सकता है, वयस्क अवस्था में बच्चे भी इसके पीड़ित होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो एक रोग होता है जिसको कहा जाता है जरा दृष्टि दोष, उसको कहा जाता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। जब वृद्धावस्था में आने वाला जो रोग होता है उसको जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया कहा जाता है, उसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है। कभी कभी नाम सीधे सीधे तौर पे प्रेस बायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया भी करके दे देता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, जब देखते होंगे आप वृद्धावस्था में दादाजी होते होंगे, दादी जी, तो उनको न तो दूर की वस्तु दिखाई दे रही है न ही नजदीक की वस्तु दिखाई दे रही है, और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उनकी सिलेरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और सिलेरी मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से वो लेंस के सामंजस्य पे अपना नियंत्रण नहीं रख पाती, और परिणाम स्वरूप प्रकाश जो है जिस मात्रा में लेंस से होकर गुजरना चाहिए या लेंस जिस मात्रा में फोकस करना चाहिए रेटिना पे, उस मात्रा में फोकस नहीं कर पाता, और परिणाम स्वरूप न वस्तु दूर की दिखाई देती है और न ही वस्तु नजदीक की दिखाई देती है। तो उपचार क्या होता है, तो आप दादाजी की चश्मे में देखते होंगे कि उनके चश्मे जो होते हैं वो बीच में कुछ उठे हुए दिखाई देते हैं और नीचे क्या होते हैं, पतले। थोड़ा सा उसको व्यवहारिक समझने का प्रयास करिएगा, बीच में उठा हुआ और नीचे क्या होता है, पतला। तो जब दोनों दोष है तो इसका मतलब है दोनों उपचार भी होना चाहिए, यानी जब निकट दृष्टि दोष भी है, दूर दृष्टि दोष भी है, तो दोनों भी उपचार होना चाहिए, तो दोनों लेंसों का भी प्रयोग होना चाहिए। तो ऊपर जिस लेंस का प्रयोग करते, तो ऐसे लेंस जिसमें दोनों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे लेंस को बाइफोकल लेंस कहते हैं। बाइफोकल का मतलब होता है द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं किसके उपचार में, जरा दृष्टि दोष में। बाइफोकल लेंस में अवतल और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। अवतल जो चश्मा होता है, ध्यान से अगर देखेंगे तो ऊपर उठा हुआ है, वो उठा हुआ बीच वाला जो पार्ट होता है वो अवतल होता है, नीचे क्या होता है, वो जो है पतला हिस्सा, वो क्या है, उत्तल। देखते होंगे दादाजी को, अगर कोई व्यक्ति दूर से आ रहा है अगर उसको देखना होता है तो चश्मे को ऊपर कर लेते हैं, देखे होंगे। पेपर पढ़ना होता है तो चश्मे को नीचे कर लेते हैं।
क्यों चश्मे को नीचे करते हैं? क्योंकि ये उत्तल लेंस ही वह कारक होता है, वह उत्तल लेंस ही है जो वस्तु को नजदीक से देखने में समर्थ बनाएगा। और अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस दूर की वस्तु अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है तो उसमें ये क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो इसी वजह से जब कोई दूर से आता है तो दादाजी चश्मे को ऊपर कर लेते हैं, और जब पेपर पढ़ना होता है, किताबें पढ़नी होती हैं, तो क्या कर लेते हैं? नीचे कर लेते हैं। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। अभिन्नुकता, जैसा कि हमने बताया एस्टिगमेटिज्म के बारे में, कि इसमें जो है क्षैतिज में रखी हुई वस्तु को वह व्यक्ति देख पाता है, ये बहुत रियरेस्ट बीमारी होती है, बहुत रियरेस्ट बीमारी होती है। जानते रहिए कि इसमें कोई वस्तु अगर क्षैतिज दिशा में रखा गया है तो इसको व्यक्ति देख पाता है, लेकिन अगर लंबवत रखा गया है तो वह देखने में समर्थ नहीं हो पाता है। और इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस का, यानी कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कुछ और रोगों के विषय में, जैसे कि वर्णांधता, तो वर्णांधता नामक रोगों के विषय में आपको हमने बताया कि इसमें आंखों में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका डैमेज होगी, तो शंकु कोशिका या कोन सेल जिसको कहते हैं, शंकु कोशिका डैमेज हो जाएगी। और वर्णांधता नामक रोग में याद रखिएगा, व्यक्ति लाल और हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। यहां पे ये जो शब्द मैं लिख रहा हूं विभेद, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि वह पहचान जो है लाल और हरे रंग को देख नहीं पाता। वो लाल और हरे रंग को देखता है लेकिन उनके बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ दिया था कि वर्णांधता नामक रोग में व्यक्ति लाल और हरे रंगों के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, इस रोग में रोगी को लाल रंग के स्थान पे कौन सा रंग दिखाई देता है? यानी जो लोग आंसर सोच के बैठे थे वही उसने क्वेश्चन में पूछ दिया और दूसरा आंसर पूछ दिया। तो यहां पे याद होना चाहिए कि जो वर्णांधता नामक रोगी होता है वो लाल रंग के स्थान पे हरे रंग को समझ लेता है, और हरे रंग के स्थान पे किसको समझ लेता है? लाल रंग को। तो इस वर्णांधता नामक रोग में आप याद रखिएगा, लाल और हरे रंग में वह विभेद नहीं कर पाता है, लाल के स्थान पे वह हरे रंग को और हरे रंग के स्थान पे वह लाल रंग को समझने लगता है। आगे बात करना है मोतियाबिंद के विषय में, तो मोतियाबिंद के बारे में हमने बताया कि जब लेंस की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या लेंस पे किसी पदार्थ का जमाव होने की वजह से प्रकाश की समुचित मात्रा प्रवेश नहीं कर पाती है, या वह लेंस रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सही प्रकार से फोकस नहीं कर पाता है, तो वस्तु धुंधला दिखाई देता है। और इसके उपचार के लिए क्या करते हैं? शल्य चिकित्सा करके जो है या तो लेंस को ही बदल देते हैं, या लेंस को वो जो आपका हमने बताया कि धुंधला हो गया है या उस पर कोई पदार्थ जम गया है तो उसको वहां से हटाकर साफ करके पुनः वहां पे लगा देने की वजह से भी मोतियाबिंद से निजात पाया जा सकता है। तो इतनी बातें थीं नेत्र के विषय में। आशा करता हूं कि आपको पूरी चीजें समझ में आई होंगी। आगे हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम पे, अंतःस्रावी ग्रंथियों पे, जो कि हमने आपको बताया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां और आपके तंत्रिका तंत्र ये दोनों मिलकर जो है समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।